नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टून क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 के बारे में, जो कि WHO ने रिलीज किया है बहुत ही रिसेंटली। तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, क्या न्यूज़ है, मलेरिया क्या होता है, लाइफ साइकिल जानेंगे, कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मलेरिया, फिर इस रिपोर्ट में क्या क्या हाइलाइट्स थे, मेजर हाइलाइट्स क्या था ग्लोबली, और साथ ही साथ इंडिया लेवल पर भी हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कैसा है। फिर मलेरियल वैक्सीन और एडवांसमेंट, मलेरियल वैक्सीन में क्या क्या अभी तक हो चुके हैं एडवांसमेंट। फिर व्हाट आर द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू मलेरिया, जो कि ग्लोबली लिया गया है, और साथ ही साथ में इंडिया में कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे हम लोग मलेरिया को इरेडिकेट कर सके। ये सब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, यूपीएससी प्रीलिम्स, साथ ही साथ मेंस एग्जाम, या फिर आप कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये रिपोर्ट बहुत हेल्प करेगी आपको अपने आंसर राइटिंग में, साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो द 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट शेड्स लाइट द अलार्मिंग मलेरिया सिचुएशन इन इंडिया एंड ग्लोबली। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ मेजर की हाइलाइट्स है जो कि इंडिया के केस में और साथ ही साथ में ग्लोबली अलार्मिंग सिचुएशंस है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस रिपोर्ट में, हम लोग वो सबको डिटेल में समझेंगे। रिपोर्ट पे आने से पहले हम लोग सबसे पहले मलेरिया क्या होता है, किससे, कॉजिटिव एजेंट क्या है, वेक्टर क्या है, वो सब हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो मलेरिया बेसिकली इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्क्यूटो बॉर्न ब्लड डिजीज कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम पैरासाइट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, अगर आप नॉन बायो स्टूडेंट हैं तो आपको समझने में शायद दिक्कत हो सकती है, बायो वाले आसानी से समझ सकते हैं। मलेरिया क्या एक लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, अगर जल्दी इलाज ना मिला तो डेथ भी हो सकता है। फिर मॉस्क्यूटो बॉर्न, क्योंकि मॉस्क्यूटो के काटने से ही ये बीमारी जो है फैलता है। ठीक है, एंड ब्लड डिजीज है, क्योंकि ये ब्लड को डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है, जो भी है, जो पैरासाइट है मेनली। और पैरासाइट क्या है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो है मेनली हम लोग मलेरिया को, जैसे बहुत सारी बीमारियां आपने सुना हो कि वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल है, तो मलेरिया क्या है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआन से होता है। और कौन सा प्रोटोजोआन है, तो ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, मेन जो कॉजिटिव एजेंट है वो प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो मेनली हमारे ब्लड्स को इफेक्ट करता है। और इस केस में मॉस्क्यूटो क्या है, तो मॉस्क्यूटो जो है वो एक कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो पैरासाइट्स को, मेनली प्लाज्मोडियम जो है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए मलेरिया क्या है। फिर बेसिकली जो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीसीज दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस। ठीक है, तो बेसिकली चार ही टाइप्स हैं, लेकिन दो जो है बहुत ज्यादा डेथ कॉज करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो दो कौन से हैं, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, तो ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, पी डॉट लिखा जा सकता है, पी डॉट फैल्सीपैरम। ठीक है, एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, ये दो जो है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज सबसे ज्यादा डेथ कॉज करते हैं, और इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है अलग अलग कंट्रीज पे। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और अदर दो स्पीसीज क्या है, तो प्लाज्मोडियम ओवेले एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, तो ये चार मेनली स्पीसीज है। और फैल्सीपैरम जो है वो बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, और डेथ जो है ज्यादातर फैल्सीपैरम के कारण होता है, क्योंकि ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये जो प्लाज्मोडियम है वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, और आप देख सकते हैं नॉर्मल जो आरबीसी का शेप होता है कुछ इस तरह से, सर्कुलर शेप में, लेकिन गैमेटोफिटिक स्टेज में। ठीक है, ये हम ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो फैल्सीपैरम के कारण क्या हो रहा है, तो जो रेड ब्लड सेल्स थे, ठीक है, उनका शेप पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बाकी तीनों केसेस में देखेंगे मोरलेस राउंड शेप का ही है, लेकिन फैल्सीपैरम में पूरा जो आरबीसी है उसका पूरा शेप ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजर कॉज करता है। ठीक है, तो चार स्पीसीज आप अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फैल्सीपैरम एंड वाइवैक्स जो है बहुत ज्यादा
डेथ कॉज करता है। ठीक है, अब मलेरिया प्रिडोमिनेंटली कहाँ होंगे, तो मच्छर आपको पता ही है, मच्छर जो है इस मॉस्क्यूटो जो है इसके कैरियर है, वेक्टर को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो मलेरिया इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वेल एज एशिया। ठीक है, जितने भी इक्वेटर के पास में कंट्रीज है, 0 डिग्री और ऊपर में है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ठीक है, जो हमारे ट्रॉपिक्स के बीच में है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी है, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा मलेरिया होते हैं। ठीक है, जितना भी अगर पोल्स के तरफ जाएंगे, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज में नहीं होता है ज्यादातर मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया स्प्रेड किसके होता है, तो स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनिफिलिस मस्क्यूटो, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मस्क्यूटोस के भी स्पीसीज होते हैं, क्यूलेक्स होते हैं, ठीक है, एनिफोलियस है, और उसमें से भी फीमेल। ठीक है, तो वो मेनली एज ए स्प्रेड करता है, ठीक है, मलेरिया को। अब हम लोग बेसिकली एक छोटा सा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जिसमें कि ऑलरेडी एक ऐसा मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनिफिलस मॉस्क्यूटो स्पेशली, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, तो मतलब वो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो है, ऑब्वियसली फीमेल ही होना चाहिए, क्योंकि फीमेल के पास ही वो प्रोबोसिस होता है जो खून को सक करता है। ठीक है, ब्लड को सक करता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये बाइट करेगा कोई भी नॉर्मल इंसान को। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान को बाइट किया तो ये इन्फेक्टेड हो गया फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के लिवर्स में जाके अफेक्ट करेगा, और लिवर्स में क्या होगा, लिवर्स के बाद वो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स, उस पर जाके अफेक्ट करता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड स्ट्रीम है उस पे जाके पूरी तरह से डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर कोई दूसरा मॉस्किटो आया, फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो, वो भी ह्यूमन को काटा और उसके ब्लड से वो ब्लड सक कर लिया, तो इस तरह से क्या हो गया, जो मॉस्किटो है इसके पास में भी वो प्लाज्मोडियम आ गया, जो इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो इसके बॉडी में भी आ गया। फिर ये क्या करेगा, ये फिर दूसरे ह्यूमन बींग को काटेगा, और ये साइकिल जो है इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, एक को काटेगा, दूसरे को काटेगा, तो ये बेसिकली एक कॉम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, जो कि पैरासाइट जो है फर्स्ट पहले लीवर में ट्रैवल करता है, फिर लीवर में मैच्योर होता है और वो इन्फेक्ट करता है बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को आपने देखा किस तरह से शेप जो है वो चेंज कर देता है, तो ये बेसिक चीजें हैं, बस पता होना चाहिए आपको, ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। कुछ सिम्टम्स, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसी तरह से होता है, जैसे कि हेडेक हो गया, फैटी, नोजिया, वोमिटिंग, चिल्स, हाँ चिल्स बहुत ज्यादा आता है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, इन सब में, इन सब बीमारियों में एक चीज कॉमन है कि चिल्स बहुत आते हैं। चिल्स के साथ साथ मतलब ठंडी भी बहुत ज्यादा लगेगी, और चाहे गर्मी का ही मौसम हो आपको ठंडी भी लगेगी, फिर कुछ देर बाद स्वेटिंग भी होगा, ये होता है, फीवर तो ऑलरेडी होगा ही, एंड जो शरीर में दर्द होगा, बॉडी में एक होगा, तो ये मेनली कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं जो हम लोग वर्ल्ड जो मलेरिया रिपोर्ट आया 2023, उसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पब्लिश किसने किया, तो WHO ने किया, और ये जो सारे हाइलाइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2022 के डेटा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रिपोर्ट ये 2023 का है, लेकिन हम लोग 2022 में जितने भी हुए हैं केसेस उसको मद्देनजर रख के ही ये रिपोर्ट तैयार किया गया। तो सबसे पहले ग्लोबल मलेरियल ओवरव्यू अगर देखा जाए, तो 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट रिवील्स अ ग्रेट सर्ज विद एन एस्टिमेटेड 249 मिलियन केसेस। ठीक है, तो ओवरऑल पूरे ग्लोब में 249 मिलियन केसेस हुए, लगभग 25 लाख के आसपास केसेस हुए हैं, सरपासिंग प्री पैंडेमिक लेवल। ठीक है, तो प्री पैंडेमिक लेवल उतना नहीं होता था, लेकिन प्री पैंडेमिक के बाद में और ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर COVID-19 डिस्ट्रप्शन, ड्रग रेसिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज पोस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल मलेरिया रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा क्यों हो गया, तो COVID-19 जब आया था तो सारा ध्यान रिसर्च डेवलपमेंट वैक्सीन बनाने पर ही लग गया था COVID-19 की, फिर ये सारे बीमारियां नेगलेक्ट होने लग गई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया COVID-19 के बाद में, फिर क्लाइमेट चेंज का इशू ऑलरेडी है। ठीक
ठीक है, तो ये सारे मेन प्रॉब्लम्स है रिसर्च के लिए। फिर 29 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 95% ऑफ द मलेरियल केसेस ग्लोबली। ठीक है, तो वर्ल्ड में नहीं भी तो 200 से ज़्यादा कंट्री है, लेकिन सिर्फ 29 कंट्रीज ऐसे हैं जो 95% जो मलेरिया के केसेस होते हैं वो 29 स्टेट में कंट्रीज में होते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं जो भी ब्लू वाले कंट्रीज हैं मार्क, उसमें उन सब कंट्रीज में मेनली मलेरिया ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज में इफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने जैसे बताया जो भी इक्वेटर के पास में है कंट्रीज और जो ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है, ये सारे रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा केसेस ये जो डार्क रेड में शेडेड है स्पेशली अफ्रीकन रीजन्स में, अफ्रीकन कंट्रीज में। और फोर कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड मोजम्बिक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास मलेरिया के केसेस इन चार कंट्रीज से ही आते हैं। तो इसीलिए इन चार कंट्रीज को मेनली मलेरियल एंडेमिक कंट्री कहा जाता है, मलेरियल एंडेमिक कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया 27% ग्लोबली। तो नाइजीरिया जो है सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट। ठीक है, फिर डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, मोजम्बिक, ये सबसे ज़्यादा होता है। सेंट्रल जो हमारे साउथ एशिया है उसमें भी है, और जो लैटिन अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर भी केसेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफ्रीकन रीजन में होते हैं। फिर इंडिया का देख लेते हैं मलेरियल सिचुएशन सिनेरियो जो है, तो इन 2022 इंडिया अकाउंटेड फॉर अ स्टैगरिंग 66% ऑफ मलेरियल केसेस इन द WHO साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन। ठीक है, तो साउथ एशियन जो रीजन है, साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में ये सारे कंट्रीज है जो ब्लू में मार्क्ड है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, ये मैप में गलत दिया हुआ है। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में यही सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो अब उन सब में भी 66% केसेस जो है वो इंडिया का ही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो ऑब्वियसली इंडिया का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तो परसेंटेज अगर देखा जाएगा तो उतना नहीं होगा। ठीक है, फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अ प्रोटोजोअल पैरासाइट कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट 46 केसेस इन दिस रीजन। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉज करता है वो इंडिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाली स्पीसीज, डिस्पाइट अ 55% रिडक्शन इन केसेस सिंस 2015। तो ये पॉजिटिव है, सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि डिक्लाइन हुआ है, 55% रिडक्शन इन केसेस डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग का जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में हम लोग 66% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मलेरिया में। ठीक है, लेकिन डिक्लाइन भी हुआ है। ठीक है, फिर इंडिया फेसेस चैलेंजेस इंक्लूड सर्जेस इन केसेस इन 2023 लिंक टू अनसीजनल रेनफॉल। ठीक है, 2023 में बहुत जगह अनसीजनल रेनफॉल हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, कहीं जैसे कि अभी देख सकते हैं आप चेन्नई, साउथ इंडिया में बहुत सा रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो अनसीजनल रेनफॉल होने के कारण ये हुआ है। फिर इंडिया एंड इंडोनेशिया अकाउंटेड फॉर 94% ऑफ द मलेरियल डेथ्स इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ प्रीलिम्स मेंस के लिए, तो इंडिया और इंडोनेशिया ही जो है आउट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज 94% तो मलेरियल डेथ इन दोनों कंट्री से ही आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा, इंडिया तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इंडोनेशिया भी छठे सातवें स्थान पे आता है पॉपुलेशन वाइज में, तो ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा केसेस होंगे। फिर रीजनल इम्पैक्ट क्या है? तो अफ्रीका बियर्स द हाइएस्ट मलेरियल बर्डन, 94% ऑफ द केसेस एंड 95% ऑफ द ग्लोबल मलेरियल डेथ इन 2022। ठीक है, अफ्रीका में हाइएस्ट, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया मैनेज टू कंटेन मलेरिया ओवर द लास्ट 2 डिकेड विद 77% रिडक्शन इन केसेस ऑफ डेथ सिंस 2000। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में 77% डिक्लाइन हुआ लास्ट 2 डिकेड में। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव थिंग है इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए। तो ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने मलेरियल डेथ्स को, मलेरियल केसेस को वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज जो है अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेथ केसेस, मलेरियल केसेस वहीं से आ रहे हैं।
फिर क्लाइमेट चेंज एंड मलेरिया एक रीजन बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा ड्राइवर बताया जा रहा है मलेरियल ट्रांसमिशन एंड ओवरऑल बर्डन, क्योंकि कभी भी बरसात हो जा रही है अनसीजनल रेनफॉल, उसके कारण मॉस्क्यूटो स्पेशली रेनी सीजन में मॉस्क्यूटोज का पॉपुलेशन बढ़ जाता है जिसके कारण ये सब होता है। ठीक है, WHO एम्फोसाइज द सब्सटेंशियल रिस्क क्लाइमेट चेंज पोजेस टू मलेरियल प्रोग्रेस नेसेसिटिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट रेस्पॉन्सेज। WHO हमेशा ही कहता है कि सस्टेनेबल और रेजिलियंट रेस्पॉन्सेस दिखाया जाए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, वो जस्ट पेपर पे ही होता है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज अभी भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, और WHO का एम है कि मोर्टिलिटी रेट जो है 75% का होना चाहिए कम बाई 2025 एंड 90% इन 2030। ठीक है, बहुत एम्बिशियस एम है, ये अचीव करना शायद पॉसिबल ना हो। ठीक है, एंड वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक विथ 55% गैप फॉर 2025। तो 55% हम लोग को रिडक्शन करना है विद इन 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 साल भी नहीं बचे हैं, उसमें हम लोग को 55% कम करना है इंसिडेंस रिडक्शन एंड 53% फॉर फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो 53% फर्टिलिटी रेट भी, मतलब मॉर्टिलिटी जो रेट है उसको भी कम करना है। तो ये 1-2 साल में होना है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। फिर चैलेंजेस क्या है मलेरियल इरेडिकेशन में, सबसे बड़ा जो चैलेंज है फंडिंग गैप्स फॉर मलेरियल कंट्रोल इंक्रीज्ड। ठीक है, फंडिंग जो होनी थी मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए, वो उसकी जो गैप है 2018 में कितनी थी, तो 2.3 बिलियन US डॉलर, और 2022 में क्या हो गया, तो 3.7 बिलियन डॉलर्स हो गया। ठीक है, तो जो जो फंड मिलना चाहिए था अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, वो फंड नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो किस तरह से अपने पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करेंगे, ये सबसे बड़ा है कि फंड नहीं है। सेकेंड थिंग इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हिट अ 15-ईयर लो एट US$603 मिलियन, रेजिंग कंसर्न अबाउट द इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। तो जस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में US$603 मिलियन ही फंड मिले हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, इनोवेशन कैसे होगा, बहुत कम होगा। और मेनली क्या हो रहा है, नए नए जो बीमारियां आ रही है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, COVID-19, SARS, COVID-2, ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, और मलेरिया को निगलेक्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनोवेशंस कहाँ हो रहा है, इन सब टेक्नोलॉजीज कहाँ हो रहे हैं, तो रिसर्च डेवलपमेंट मेनली यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में हो रहा है, वहाँ पर मलेरिया केसेस होते ही नहीं है, तो उनको फिक्र ही नहीं है। तो मेनली सफर कौन कर रहा है, तो अफ्रीकन पीपल या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, मेन ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मलेरियल वैक्सीन में क्या है। बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग इसको जड़ से इरेडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पोलियो को किया, स्मॉल पॉक्स को किया, उसी तरह इसको भी किया जा सकता है। तो द रिपोर्ट एम्फसाइज नोटेबल प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस हुआ है, और WHO ने रिकमेंड भी किया है मलेरियल वैक्सीन RTS,S एंड AS01 इन अफ्रीकन नेशंस। ये अफ्रीकन नेशंस में रिकमेंड भी किया गया, और स्पेशली ये जो वैक्सीन है वो छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए है, दिया जाएगा। ठीक है, रिगोरस इवैल्यूएशन इन घाना, केनिया एंड मालवाई रिवील अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सीवियर मलेरिया। ठीक है, तो सीवियर मलेरिया जो मेनली फैल्सीपैरम के थ्रू जो मलेरिया हो रहा था, फैल्सीपैरम वाले स्पीसीज के थ्रू, उसमें 33% रिडक्शन हुआ है चाइल्डहुड डेथ्स में। ठीक है, तो ये मेनली बच्चों को ही दिया जा रहा था अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोविड आने के बाद में तो इसकी डिलीवरी और कम हो गई है। ठीक है, इस वैक्सीन की, और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग खरीद सके। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड इज द अचीवमेंट कंबाइंड विद एग्जिस्टिंग इंटरवेंशंस लाइक बेड नेट्स, इंडोर स्प्रेइंग फॉर्म ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो जस्ट वैक्सीन या दवाइयों से नहीं होगा, ओरल ड्रग से, साथ ही साथ में जो नेट होते हैं, ठीक है, मच्छरदानी यूज करना, फिर इंडो स्प्रेइंग करना, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स के थ्रू ताकि मच्छर को किल किया जाए, फिर साफ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन, इन पे भी जोर देना चाहिए, तब जाके ही ये इम्प्रूव होगा कंडीशन। ठीक है, फिर इन अक्टूबर 2023 WHO रिकमेंडेड सेकेंड सेफ एंड इफेक्टिव मलेरियल वैक्सीन। ये सेकेंड वाला है जो रिसेंटली ही रिकमेंड किया गया WHO से, R21 या मैट्रिक्सम नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन द अवेबिलिटी ऑफ 2 मलेरियल वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सप्लाई एंड मेक ब्रॉड स्केल
डिप्लॉयमेंट अक्रॉस अफ्रीका पॉसिबल। और इसमें क्या है, इंडिया जैसे कंट्री बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को माना जाता है वैक्सीन हब, ठीक है, वैक्सीन प्रोड्यूस करने में सबसे आगे है इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ये सब वैक्सीन जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, और अफ्रीकन जैसे कंट्रीज को बहुत सस्ते रेट पे या फ्री भी उपलब्ध किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज जो है वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, तभी होगा ये पॉसिबल, ठीक है। तो या फिर वो लोग क्या करते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं मेनली इन सब वैक्सीन की, तो सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, और वो इनसे करोड़ों को बना लेते हैं बिजनेस में, ठीक है। फिर कॉल फॉर एक्शन देखते हैं, तो WHO का एम्फोसिस क्या है, फॉर सब्सटेंशियल पिवोट इन फाइट अगेंस्ट मलेरिया, कॉलिंग फॉर इंक्रीज रिसोर्सेज, स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कमिटमेंट, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज एंड इनोवेटिव टूल्स। तो ये सिर्फ पेपर पे ही ऐसा होता है, लेकिन हकीकत पे तो हो नहीं रहा है, फंड मिल ही नहीं रहा है, कैसे होगा, पॉलिटिकल कमिटमेंट ही नहीं है, अफ्रीकन जो यूनियन है वो भी काम नहीं करता इसमें, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज, डेटा प्रॉपरली कलेक्ट भी नहीं होता, ठीक है, और इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि फंड नहीं है तो कैसे होगा। साथ ही साथ में सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट मलेरियल रिस्पॉन्सेस अलाइंग विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट, और क्लाइमेट चेंज से तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जा रहा है मलेरिया, या फिर अदर जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम लोग रिड्यूस या कंट्रोल कर दें तो इसमें भी ड्रॉप हमें मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं ग्लोबली। तो सबसे पहले जो है WHO ग्लोबल मलेरियल प्रोग्राम, ठीक है, तो इट वर्क इज गाइडेड बाय द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया इन 2016 एंड 2030, अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, मई 2015 में एंड अपडेटेड इन 2021, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी में मेनली टारगेट क्या है कि ग्लोबल मलेरियल इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना बाय एटलीस्ट 90% बाय 2030। बहुत एम्बिशियस ये एम है कि 2030 तक हम लोग 90% मॉर्टेलिटी रेट और केसेस भी कम कर दें। किसके थ्रू, तो ग्लोबल मलेरियल प्रोग्राम, WHO का ये मेन प्रोग्राम है। फिर मलेरियल एलिमिनेशन इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं, ठीक है, ये जो है मेनली ये प्राइवेट एंटिटी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो बिल गेट्स की ये फाउंडेशन है जो मलेरिया पे बहुत काम करती है, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट है, ठीक है। ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी मिल सके, मॉस्किटो पॉपुलेशन रिडक्शन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे इस पे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर E2025 इनिशिएटिव्स क्या है, तो WHO लॉन्च द E2025 इनिशिएटिव इन 2021 में लॉन्च हुआ था, और इनिशिएटिव में एम क्या था, तो स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन 25 कंट्रीज बाय 2025, ठीक है। तो 25 कंट्रीज में इसको ट्रांसमिशन जो है इसको कम किया जा सकता है, और WHO का वैसे कंट्रीज भी आइडेंटिफाई किया था जिसमें वो उसमें पोटेंशियल था कि 2025 तक वो मलेरिया को जड़ से इरेडिकेट कर देगा, ठीक है, लेकिन उन 25 कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है तो इसको कंट्रोल करने में टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाएगा तो हम लोग भी आसानी से इरेडिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडिया के थ्रू, इंडिया के कंटेक्स्ट में जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहला जो है तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन जो WHO के अकॉर्डिंग था 2016 से 30 वाला, वही इसमें भी सेम एम है। फिर सेकेंड इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, एड्रेसेस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे बीमारी जो है उनको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। थर्ड इज द नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है बहुत पहले ही लॉन्च किया गया था 1953 में, ठीक है, मलेरिया, क्योंकि उस समय बहुत समय से ही ये फैला हुआ है, और इसमें तीन एक्टिविटीज होता था, नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लॉन्च हुआ था 1953 में, और तीन मेजर एक्टिविटीज क्या थे, तो इंसेक्टाइडल्स रेसिडुअल स्प्रे एंड विद DDT, ठीक है, लेकिन DDT क्या है, DDT तो बैन हो गया, तो ये बैन हो गया, तो सिर्फ इंसेक्टाइडल रेसिडुअल स्प्रे ही किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ केसेस, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, तो इसमें तीन मेजर एक्टिविटीज थे जो 1953 में, कुछ अपग्रेडेशन की गई है इसमें
ज्यादा नहीं की गई है। फिर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसे 4 स्टेट्स हैं या हैं जिसमें बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल इंडिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब 4 स्टेट जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है मलेरिया का। तो फोकसिंग ऑन मलेरियल रिडक्शन थ्रू इंसेक्टाइडल नेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो वैसे जो मच्छरदानी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर भी होता है, ठीक है। तो अब ये अगर साफ सफाई सैनिटेशन ना रखा जाए तो उसमें मच्छर फैल सकता है, ठीक है, तो ये भी है। मलेरियल एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस या फिर मेरा इंडिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने, विथ विच कोलैबोरेट विथ पार्टनर्स ऑन मलेरियल कंट्रोल रिसर्च। तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स, WHO, इन सब के साथ कोलैबोरेट करता है मलेरिया को किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, मेरा इंडिया, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये सारे इनिशिएटिव स्टेप्स लिए गए हैं जिसको मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस जो मलेरियल 2023 रिपोर्ट आया, वर्ल्ड मलेरियल रिपोर्ट, उसमें कुछ पॉजिटिव थे इंडिया के लिए, रिडक्शंस हुए हैं ऑब्वियसली, फिर भी अभी भी 66% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है मलेरियल केसेस में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा, बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।